सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ बूट स्ट्रैप का। अब आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको HTML करवाया, CSS, CSS3 और JavaScript आपने देखी, लेकिन आपने देखा कि हमें कोडिंग जो है वो अधिक से अधिक करनी पड़ती है। उस कोडिंग को अवॉइड करने के लिए अगर आप उपयोग लेते हैं और किसी वेबसाइट को कम से कम समय में अगर आप बनाना चाहते हैं तो है बूटस्ट्रैप। देखिए, करने का तरीका वही है। टेक्स्ट एडिटर आप कोई भी उपयोग ले सकते हैं, जैसे कि अभी तक मैं नेटबीन्स यूज कर रहा था। अगर आप चाहें तो, अगर आप ASP के साथ कोडिंग कर रहे हैं तो आप जो है विजुअल स्टूडियो 2010 या विजुअल स्टूडियो का कोई भी वर्जन आप उपयोग ले सकते हैं। ये एक टेक्स्ट एडिटर ही है और इसके अंदर ही हम लोग कोडिंग करते हैं। ये इस तरह से ओपन होगा, आपको फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में करना है, वेब को सेलेक्ट करना है और ASP की वेबसाइट को सेलेक्ट करके आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी पहले से कोडिंग लिखी हुई है वो कोडिंग ये शो करेगा। आप उसे सेलेक्ट करके एक बार डिलीट कर दीजिए। अब मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ हमारी कोडिंग बूटस्ट्रैप की। अब आप ये देखिए कि इसमें सभी काम कट कॉपी पेस्ट से होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे डेटा को एक्सेस करना है, कोडिंग को प्राप्त करना है। जैसे आप बूटस्ट्रैप 4 गूगल में लिखेंगे तो ये सबसे पहले जो इसकी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ये ओपन करेगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि अगर नेट कनेक्शन ना हो तब भी ये काम करेगा। उस समय आपको इस लाइन को कॉपी करना है। अब मैं आपको यूज करके बता रहा हूँ कि एक सिंपल सा मैसेज कैसे इसके अंदर प्रिंट होता है, जबकि इस पर किसी भी चीज़ का अप्लाई नहीं किया गया है। अब ये एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, तो आपने इसको कोडिंग को लिया और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब आप ये देखिए इसके अंदर कोडिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात, HTML5 है तो ये आपके शुरुआत की दो लाइनें आपकी रहती हैं। ये UTF-8 कोडिंग की टेक्निक का उपयोग लेता है। व्यू पोर्ट में विड्थ डिवाइस डैश विड्थ का उपयोग लेता है ताकि अगर आप इसे मोबाइल में या किसी भी व्यू पोर्ट पर देखना चाहते हैं तो आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक लिंक स्टाइल, इसके अंदर 3 फाइलें आपकी कनेक्ट की जाएगी। पहली है बूटस्ट्रैप min.css फाइल, इसी तरह से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी और jQuery के लिए, और इसी तरह से एक फाइल रहेगी हमारी जो है copper.js हो गया, और ये 3 फाइलें हमारी इसके अंदर शामिल रहेगी। जब आप इसे लिख लेंगे तो इसका मतलब आपके पास इसकी लाइब्रेरी आ गई है। अब मैं आपको इसे रन करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। तो इसे आपने सेव किया और इस बटन को प्रेस करने से ये आपका आउटपुट यहाँ शो करेगा। अब मैं उपयोग लेके बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप की कोडिंग अगर आप लिखना चाहते हैं कॉपी के बदले तो आप लिख भी सकते हैं। कुछ कोडिंग मैं आपको साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप इससे पहले HTML और मेरे CSS की कोडिंग आप जरूर देख लीजिएगा। अब ये देखिए कि बूटस्ट्रैप एक क्लास है तो इसके सभी कोडिंग ऑटोमेटिकली जो है क्लास के रूप में मिलती है। जैसे मैं हेडिंग पे अगर इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो H1 के बाद मैंने स्पेस दिया, क्लास आया, क्लास इक्वल्स टू मैंने यूज किया, डबल कोट्स का यूज किया और डबल कोट्स को मैंने एक बार बंद कर दिया। अब आप ये देखिए इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं उस टेक्स्ट को सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ तो टेक्स्ट करते ही कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, आप उसे हाइड भी कर सकते हैं, उसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेफ्ट में भी लेके जा सकते हैं, तो इस तरह के लोअर केस में भी बदल सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन सभी आपको दिखा रहा है। कुछ कोडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपके ज़्यादा यूज आएगी। जैसे मैंने इसको सेंटर कर दिया, इसी तरह से अगर मैं इसके कलर को बदलना चाहता हूँ तो मैं यूज करूँगा टेक्स्ट, फिर आप यूज करेंगे कलर का।
तो मैंने यूज किया टेक्स्ट डैश सक्सेस जो कि ग्रीन कलर के लिए होता है। इसके अलावा और दूसरे कैसे कलर दिए जाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। इसी तरह से आपने यूज किया टेक्स्ट डैश कैपिटलाइज, इसमें आप आपके अक्षर को पहले अक्षर को कैपिटल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट के साथ में भी देखिए फॉन्ट वेट बोल्ड कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, फॉन्ट को इटालिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज किया फॉन्ट वेट बोल्ड, इसको मैंने सेव किया। कोडिंग हमारी चल रही है तो मैं यहाँ आने के बाद में इसे रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से आपको शो करेगा हेलो वर्ल्ड। तो ये आपका था पहला तरीका, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग ले सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ कि कलर के लिए आप कैसे यूज करेंगे। तो कोडिंग को समझना भी जरूरी है। तो देखिए अगर आप हेडिंग के साइज को बदलना चाहते हैं तो डिस्प्ले हेडिंग, मैंने एक टॉपिक आपको बताया है, इसमें आप डॉट डिस्प्ले डैश वन, डॉट डिस्प्ले डैश टू या इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको यूज करके भी बता सकता हूं। तो आप ये देखिए समझने में आसानी रहेगी क्योंकि हमारी हेडिंग खुली हुई है। तो अगर मैं यहां लिखता हूं कि डिस्प्ले और डिस्प्ले 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली आपको ये शो करेगा। तो मैं इसे 2 में कन्वर्ट कर देता हूं, इसे मैं सेव करता हूं तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने साइज को शो कर देगा। इसे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये देखिए ये साइज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो आप इस तरह से अलग अलग साइज का उपयोग ले सकते हैं। ये डिस्प्ले 1 बड़ा आएगा, उसके बाद डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4। अगर आप टेक्स्ट के कलर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट में कलर दे सकते हैं, जैसे डॉट टेक्स्ट म्यूटेड अगर कलर आप हटाना चाहते हैं, डॉट टेक्स्ट प्राइमरी अगर आप ब्लू कलर देना चाहते हैं, डॉट टेक्स्ट सक्सेस है ग्रीन कलर के लिए। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कलर का उपयोग लिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आपको ये शो कर रहे हैं। ये सारे कलर आप चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत लगे वैसा आप चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको करके बताया। इसी तरह से कलर के बाद में मैं आपको बटन भी लेना अभी बताऊंगा। साथ साथ में हम लोग थोड़ी कॉपी और कॉपी करने वाली कोडिंग को भी शामिल रखते हैं। अब ये देखिए कि जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। हम ये सभी प्रकार के कंपोनेंट हमारी वेबसाइट के लिए क्या क्या जरूरी है वो मैं आपको यूज भी करके बताऊंगा, और साथ में अगर आपको लगे तो आपको दूसरे ऑप्शन भी समझाता रहूंगा ताकि आप उसका उपयोग ले सके। तो आपने देखा कि इसके अंदर एक ऑप्शन है NAV बार नव बार, इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप सीधे कोडिंग को यूज करना चाहते हैं तो ये इस तरह से, जैसा कि ये शो कर रहा है, ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। साथ में आपको इस तरह से बटन भी आएंगे ड्रॉप डाउन वाले, और इस तरह से एक बॉक्स भी आएगा, टेक्स्ट बॉक्स, सर्च बटन भी आपके इसके अंदर आएगा। तो इस तरह की कोडिंग अगर आप शामिल करना चाहते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी रहेगी, उसे आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप अपने जो भी आपकी वेबसाइट है उसके अंदर आप चाहेंगे जाने के बाद उसे बॉडी या हेड पार्ट के अंदर आप उसे शामिल कर सकते हैं। तो ये तो आपका टाइटल आपका आ रहा था, अभी मैं इसको ऊपर ही ऊपर शामिल कर देता हूँ। तो मैंने इसे कंट्रोल वी किया, इसे सेव किया, और फिर जैसे ही हम इसे देखेंगे तो ये कोडिंग हमारे यहाँ पर शामिल हो जाएगी। ये देखिए अगर आप इसे नॉर्मली करते तो आपको बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती, साथ में ये इस तरह से भी कन्वर्ट होता है। ये सारी कोडिंग मैं आपको समझा दूंगा। ये आपने देखा कि कितना ही आसान तरीका है इतनी बड़ी कोडिंग से बचने का। तो अब आप देखिए कि इस कोडिंग में भी क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग, मैंने इस तरह से नोट्स बना रखे हैं जिसको मैं हमेशा ही मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ। अब ये देखिए नेविगेशन बार में सबसे पहला होता है बेसिक नेव बार। बेसिक नेव बार जो है नेविगेशन बार,
इसके अंदर आप यूज करते हैं डॉट नेवबाव डैश एक्सपेंड डैश एक्सेल का उपयोग लेते हैं। इसी प्रकार से इसको अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप डॉट जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर का उपयोग लेंगे इसे सेंटर में ले जाने के लिए। और इसी तरह से लेफ्ट या राइट में भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसे लेफ्ट या राइट में भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप इसे कलर देना चाहें तो आप इसे कलर भी दे सकते हैं। देखिए मैं आपको देख के बताता हूँ, जैसे कि ये आपने कोडिंग लिखी है तो इस कोडिंग के नेवबार के अंदर नेविगेशन बार के अंदर ये देखिए यहाँ पर एक्सपेंड डैश एल जी आपको शो कर रहा है। अगर आप इसके कलर को बदलते हैं तो बदलने के लिए आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये अभी लाइट आ रहा है और मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसको हटाया और नवबार और इसके बाद में मैंने इसे डार्क दे दिया कलर। इसी तरह से जो बैकग्राउंड कलर है उसको लाइट के बदले मैं चेंज करना चाहूँ तो इसे मैं चेंज कर दूंगा, इसे भी मैंने डार्क कर दिया। अब आप देखिए इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इफ़ेक्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये देखिए ये इस तरह से आपकी जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट रहती है उस तरह से ये कलर आपका चेंज हो जाएगा। अब मैं वापस थ्योरी पे आता हूँ। तो अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये देखिए डॉट बी जी प्राइमरी डॉट बी जी सक्सेस डॉट बी जी इन्फो वही कलर जो मैंने अभी आपको बताए थे वो उस तरह के कलर आप इसमें उपयोग ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी ब्रांड को शामिल करना चाहते हैं किसी पिक्चर को शामिल करना चाहते हैं तब आप इसे कॉपी करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं नेव क्लास नेवबार एक्सपेंड डैश एस एम बी जी डैश डार्क या इस तरह से अगर आप यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसके एंड के अंदर ये कॉलेप्स होके रहता है, जैसे आपने देखा कि अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये इस तरह से आपको शो करता है। ये कोडिंग किसकी वजह से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यूज करते हैं जैसे कि आपने इसमें यूज किया है कि ये तो आपका सेम टू सेम एक्सपेंड एस एम डी है ही और आपने इसे बटन यूज़ किया है नवबार डैश टॉगलर बटन का यूज किया और डेटा अगर टॉगल होता है तो कॉलेप्स को ये कॉल करेगा। इसके अंदर आपने कॉलेप्स और नवबार डैश कॉलेप्स का उपयोग लिया है जिसके कारण ये जैसे ही बड़ा होता है तो जिसके कारण ये लिंक जो है सारे इस तरह से शो होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो आपने देखा कि इसके अंदर इस तरह से क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन भी ओपन हो रहा है जिसमें एक्शन अनादर एक्शन समथिंग एल्स हेयर आ रहा है। इसके पीछे अगर आप समझना चाहें तो उसको बोलते हैं नेविगेशन बार विद ड्रॉप डाउन। तो इसमें आपने एल आई क्लास नव आइटम ड्रॉप डाउन का उपयोग लिया है जिसके कारण ये ड्रॉप डाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद में आप नव डैश लिंक ड्रॉप डाउन डैश टोगल का उपयोग लेते हैं और इसमें डी आई वी क्लास ड्रॉप डाउन डैश मेनू के द्वारा आप अलग अलग प्रकार के मेन्यू और यहाँ पर ये जो हाइपर रेफरेंस है यहाँ पर हम उनका लिंक दे सकते हैं ताकि क्लिक करने पे उस प्रकार की वेबसाइट को ओपन किया जा सके। इसी प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर एक फॉरम है जिसमें एक सर्च बटन आ रहा है और एक साथ है बटन को ये शो कर रहा है। उसे देखने के लिए आपने यूज किया है नवबार एक्सपेंड डैश वो तो सेम टू सेम आपका रहेगा ही। आपने फॉरम क्लास फॉरम डैश इनलाइन एक्शन पेज डॉट पी एच पी का उपयोग लिया है। इसमें आपने इनपुट क्लास फॉरम डैश कंट्रोल एम आर एस एम डैश टू और टाइप टेक्स्ट टाइप का लिया है जिसके कारण ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। इसी तरह से अगर आपने एक बटन भी लिया है जिसे आपने बटन डैश सक्सेस के कारण उसको ग्रीन कलर में बदल दिया है तो आपने सीधा लिखा क्लास बराबर बटन जिसके कारण ये बटन जो है ग्रीन बटन आ गया है और ग्रीन कलर में बदल गया है। अगर आप बटन की भी बात करें तो आप इस तरह से देखिए अलग अलग प्रकार के बटन भी बना सकते हैं डॉट बटन डैश एल जी लार्ज मीडियम साइज तो ये इस तरह से आप इसमें अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। इसी तरह से बटन डैश डिफॉल्ट बटन डैश प्राइमरी कलर देना हो डेंजर सक्सेस ग्रीन कलर देने के लिए इस तरह से आप बी टी एन लिखकर बटन भी बना सकते हैं और लिंक टाइप का भी बटन बना सकते हैं। तो साथ ही साथ आप थ्योरी भी देख रहे हैं साथ में कोडिंग आपने देखी तो ये जो कोडिंग है ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपने देखा कि इतनी बड़ी कोडिंग मैंने सीधा कॉपी और पेस्ट किया है, आपको केवल देखने की जरूरत पड़ रही है कि ये कैसे काम कर रहा है।
बाकी सारा काम कॉपी और पेस्ट का ही रहेगा। तो आपने इसमें आपको मैंने समझा दिया है कि ये कॉलेप्स बॉक्स आ रहा है, जैसे कि अभी अगर हम अब इसको देखें तो अब हमें बात अलग अलग मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कलर आप बदल सकते हैं। इसी तरह से ये MR-Auto आ रहा है, तो अगर आप इसको लेफ्ट में या राइट में अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। तो आपने लिखा MR-, जैसे कि आप ML करना चाहते हैं लेफ्ट साइड में तो ML- आपका हो जाएगा ऑटो। तो ये ऑटोमेटिकली इसे किस साइड में लेके चला जाएगा, लेफ्ट साइड। तो अब आप इसे वापस से रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरफ आ गया। तो ये भी आपको बस समझना पड़ेगा कि कोडिंग क्या है, ताकि आप बिना CSS और बिना इस कोडिंग को समझे काम नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से आपने अलग अलग तरह के आइटम इसके अंदर लिया, एक ड्रॉप डाउन आपका आइटम मैंने आपको बताया था वो उसकी वजह से आ रहा है, एक फॉरम बॉक्स आपने लिया है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो बूटस्ट्रैप का पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धीरे धीरे मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे आप बूटस्ट्रैप के द्वारा भी कोडिंग करके बिना कम से कम कोडिंग से वेबसाइट बना सकते हैं। धन्यवाद।